हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीसीसी काउंसलिंग 2021 के बारे में। अभी हाल ही में जब अपडेट आई थी बीसीसी काउंसलिंग को लेकर के, तो हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक छोटा सा पॉइंट कहीं पर मिस हुआ है। हालांकि उसको अगर मैं और वहीं पर एक्सप्लेन कर देता ठीक है अच्छे से, तो मुझे लग रहा है इस वीडियो में ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कल एक बच्चे का कॉल आया था बिहार से, कोई यूट्यूबर भी हो सकता, मुझे पता नहीं उसके बारे में कौन है वो। बड़ा ही अजीबोगरीब उसने भाषा का यूज़ किया, अभद्र भाषा यूज़ की, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देते हैं हम लोग, और मुझे ये ठीक में लगा कि इस तरीके से कोई बात करता है। खैर, हमने उसकी बात को इतना ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन वीडियो को मैंने देखा दोबारा, मुझे लगा कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक है। ठीक, उस बात को लेकर के आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो से आपका काउंसलिंग खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। आज का ये प्रोसेस नहीं है, हमने 19 वीडियो बनाए थे, बहुत सारे 20 बनाए थे, आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, जितना हमारे व्यू लाइक कमेंट मिलेगा उतना किसी भी बिहार के यूट्यूबर में नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म बात है। ठीक, और ना ही मैंने कभी किसी काउंसलिंग का कोई भी पेड काउंसलिंग कराई है, ना किसी काउंसलिंग एक बच्चे से एक पैसा भी नहीं लिया। ठीक, चूँकि मुझे पता है जितना बच्चा बिहार का पढ़ता हमसे, आप उससे पूछिएगा, अगर वो पैसे कम कराने के लिए बोलेगा तो मुझसे फ़ोन करता, सर हमारे में 500 रुपये कम कर दीजिए, हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरे लिए 3000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। शायद जिस बच्चे ने कॉल किया उसको जानकारी है नहीं मेरे बारे में। आप पता कर लिए, हमारे बिहार के किसी भी कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में हमारी कोचिंग बच्चा मिलेगा, हमसे पढ़ा मिलेगा, हमारी काउंसलिंग बच्चा मिलेगा, उसके पास कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलती है। ठीक, वीडियो और ज़्यादा ही ना फालतू बातें, ना पब्लिसिटी हम कभी नहीं कर पाते हैं। ठीक, अदर को आप यूट्यूब देखिए। अब आज ही मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक अभी सुबह सुबह दो लेडीज़ का फ़ोन आया, बोला सर कि बिहार का काउंसलिंग शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन आज ही से क्या बताइए। मतलब मैं समझता हूँ वहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, और जहाँ शिक्षा का स्तर गिरा होता है वहाँ पैसे में भी कमी होती है, ऐसा मेरा मानना भी है। ठीक, तो वो लेडीज बोले क्या रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, हमने कहा नहीं माता जी अभी शुरू नहीं हुआ है। तो बोले नहीं नहीं हमने वीडियो देखा, उसमें लिखा और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। जब मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में 17 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट है, चॉइस फिलिंग आपको होगी, तब आपको और वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है। मतलब किसी भी वो नोटिस को, जबकि कोई पब्लिक नोटिस आता है तो वो 3-4 बार पढ़ लेता है, उसके बाद उसके अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें ये क्या है ये क्या, वो 4 बार तो फ़ोन करते हैं उसके बाद भी उनको समझ नहीं आता है। ठीक, इतना तो स्तर वहाँ का थोड़ा सा गिरा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ से बनते नहीं हैं, जो हैं बहुत हाई पावर पर हैं, देखें बहुत जो हैं वो सिविल में बहुत ऊपर टॉप पर टॉप भी करते हैं। ठीक है, आईएएस में बहुत निकलते भी ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिहार का ही आईएएस निकलता आप देखा होगा, लेकिन जो शिक्षा का स्तर जहाँ गिरा हुआ वास्तव में वहाँ पर बहुत गिरा हुआ है। तो हम उसमें आज इसमें थोड़ा सा डिस्कस किए दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक, और हमारे वीडियो से आपकी काउंसलिंग खराब नहीं होगी, ये मेरा पक्का दावा है। ठीक, जिस दिन मुझे लगेगा हमारे काउंसलिंग से किसी का जो है हमारे वीडियो से काउंसलिंग खराब हो रही है, मैं उस दिन के बाद वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात ये की थी क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड के बारे में। पहले आप ये बात समझो कि क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है। ठीक, चूंकि अभी हमारा जो एग्जाम होता है यूपी कैटेट में, तो यूपी कैटेट में बहुत सारे बच्चे नॉट क्वालिफाइड होते हैं, ये बात हर जगह पता है। जितना भी स्टेट इंडिया का है, इंडिया का हर स्टेट में एग्जाम में जिन बच्चों के नंबर 33% से कम आते हैं उनके में नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आता है। लेकिन आपके में ऐसा नहीं है, लेकिन किसी किसी अभी स्टार्ट में जब रिजल्ट आया था आपका, तो कई गार्जियन मेरे पास फ़ोन किया कि सर हमारे बच्चे के रैंक कार्ड में नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो ऐसे लोग काउंसलिंग भाग नहीं ले पाएंगे। अब मैं आपको इसमें बिल्कुल क्लियर किए दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है, देखिए। ठीक, चूँकि क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपके रैंक कार्ड में रैंक तो दी गई है ना, तो रैंक का मतलब ही होता है क्वालिफाइड। अब आप मैं इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मैं पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक, रैंक मतलब है क्वालिफाइड, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने 33% नंबर पास किए हैं। अब आपकी रैंक कितनी भी होगी, एक गार्जियन फ़ोन किया सर मेरे पास जो है रैंक है वो 21,000 रैंक है, तो क्या मैं काउंसलिंग भाग ले सकता हूँ। अब आप खुद बताइएगा, रैंक कितनी भी हो वो काउंसलिंग कराएगा, लेकिन इतने क्या सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जितने में रैंक लिखा हुआ है इसका मतलब क्वालिफाइड है। अब जिनके में रैंक नहीं दी गई उसके में नॉट क्वालिफाइड होगा, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में है, चूंकि बच्चे बहुत कम बैठते हैं एग्जाम में, बीसीसी एग्जाम में। ठीक है, तो नॉट क्वालिफाइड बहुत कम बच्चों में आता है। मतलब जिसके 33% जैसे आपने देखा होगा, आप बोर्ड एग्जाम दिए हुए हैं 10th का और 12th का। ठीक, अब इसमें पासिंग मार्क कितना होता है पता आपको, 33% होता है। तो यहाँ भी ऐसा है, अगर 33% से मतलब 1200 पेपर होता आपका, तो 1200 में अगर आपके 33% से नंबर कम आ रहे हैं, चूंकि नेगेटिव मार्किंग होती, बहुत सारे नंबर परसेंटेज कम भी आ जाता है, जिनके 33% भी नंबर नहीं है तो
उनके में नॉट क्वालिफाइड होता है, बहुत रेयर केस में होता है, और वो लोग काउंसलिंग भाग नहीं ले पाएंगे। ये बात कंफर्म है। इस बात को ऊपर चाहे किसी पता कर लीजिएगा, चाहे बीसीसी बोर्ड में पता कर लीजिएगा, किसी स्टेट में पता कर लीजिएगा, ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस हमें ये डिस्कस अगर मैं बात वहाँ कर देता तो मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल भ्रमित ना हो, जो विद्यार्थी रैंक है वो सभी क्वालिफाइड है, वो चाहे रैंक उनकी कितनी भी हो, और कोई भी काउंसलिंग करा सकता है। यहाँ पर कोई भी काउंसलिंग का बीसीसी बोर्ड आपसे पैसा नहीं लेता है, जबकि आप देखा आईसीआर जब कराते हैं तो 500 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन लगते हैं, ठीक, इसके बाद फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है आपको। तो कई जगह तो पैसा लगता है, स्टेट हमारे उत्तर प्रदेश में पैसा लगता है काउंसलिंग कराने का, लेकिन यहाँ तो सबसे अच्छी बात है कि आप काउंसलिंग करा सकते हैं, कितनी भी आपकी रैंक हो, सीट मिले या ना मिले, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जो छोटी सी मिस्टेक हुई थी उसको आप सही कर लीजिएगा। मैं अगली बार जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा मैं देख लूँगा उसमें क्या चीज़ है, ठीक है। एक्चुअली हम जल्दी बोल देते हैं तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर ने बोल क्या दिया। कई बच्चे पूछते हैं सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं, मैं कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सुधार करूँगा, ठीक। तो आज के वीडियो फिलहाल इतना ही, और बाद बाकी हम लोग अभी जल्दी ही आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में बता देंगे और प्रीवियस जो कट ऑफ उसके बारे में जानकारी दे देंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर कट ऑफ बताइए कितनी क्या हो पाएगी, क्योंकि काउंसलिंग में लगभग अभी आपका पूरा जनवरी चला जाएगा और तब तक जो है समय काफ़ी निकल जाएगा। अगर आप 2022 में देख रहे होंगे तो आपका इधर साल भी जा सकता है, ठीक है। तो जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा ख़राब है, लग रहा नहीं हो पाएगा, तो वो लोग अगले साल के लिए भी प्रिपेरेशन करना शुरू कर दें, ठीक, ताकि आप कोई जो है समय और साल खराब ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, तो परेशान मत होइएगा, जिनके में रैंक लिखा हुआ है वो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका मतलब क्वालिफाइड है, ठीक। नॉट क्वालिफाइड बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, चूंकि मेरे पास 2-3 राज्य में फोन आया था, मैंने इसलिए इसकी चर्चा की थी, ऐसा हर जगह होता है, ठीक। लेकिन अगर आपको हमें रैंक दी गई तो इसका मतलब आप क्वालिफाइड है, रैंक कितने भी हो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।